अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के हवाले से, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की सिग्निफिकेंस के हवाले से, और फिर इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यानी इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई। सो अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, तो जिनमें से ईजिएस्ट वन जो है, जिसको हम आसानी से यानी कि समझ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, द ईजिएस्ट वन इज़ दैट इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटेशनल मैथड यूज़ करते हुए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। देर आर मैनी डिफरेंट बुकिश डेफिनेशंस। अगर हम देखें तो यस वी कैन सी एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन जो है इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं, मैरिज बिटवीन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। सो अगेन ये एक बड़ी आसान डेफिनेशन है जो कि आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं, यू कैन इजीली रिप्रोड्यूस इट। आपको कहीं अगर कोई पूछे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेसिकली दो मेन सब्जेक्ट्स हैं, वन इज़ कंप्यूटर साइंस, अदर इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ जाता है। अगेन बायोइन्फॉर्मेटिक्स सिर्फ कंप्यूटर साइंस या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है, इसमें हम दूसरे बहुत से और सब्जेक्ट से भी हेल्प लेते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है। सो बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें जब हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा जो है वो अकोमुलेट हो जाता है और हमारे पास एक प्रॉब्लम अराइज होती है उस डाटे को मैनेज करने की, उस डाटे को इंटरप्रेट करने की, उस डाटे को में से इंफॉर्मेशन जो है उसको अपनी मर्जी के मुताबिक मैनिपुलेट करने की, तो वहाँ पे हम इन सारे कामों को मैनुअली नहीं कर सकते। सिंस वी आर अनेबल टू परफॉर्म ऑल दिस टास्क मैनुअली, दैट्स व्हाई वी सीक हेल्प फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। सो बेसिकली मैं रिपीट करता हूँ कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन क्या है। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इसकी एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स डेफिनेशन, या जिसे हम कहेंगे कि थोड़ी सी इन्हेंस डेफिनेशन है, अगर हम उसको देखें तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गैदरिंग, स्टोरिंग, हैंडलिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड स्प्रेडिंग वेस्ट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसिस। सो यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो बायोलॉजिकल डाटा से मिलती है हमें, या जो भी बायोलॉजिकल डिफरेंट तरह की बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे डीएनए की सीक्वेंस है, प्रोटीन की सीक्वेंस है, उस सारे को इकट्ठा करना, उसको स्टोर करना, उसको हैंडल करना, एनालाइज करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, ये इतना जो बल्क अमाउंट में डाटा है उस सारे का ये जो डिफरेंट प्रोसेस हम करते हैं, ये सारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। एंड दिस इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व इंक्लूड जीन सीक्वेंस, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फंक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन एंड जीन एक्सप्रेशन। सो अब यहाँ पर आप देखें कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर असल में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अभी हम अगली स्लाइड्स में जाके और भी एप्लीकेशंस देखते हैं कि हाउ दे वर्क। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज पावरफुल कंप्यूटर्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू अकम्पलिश रिसर्च ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल टू डिस्कवर ए न्यू फार्मास्यूटिकल और हर्बिसाइड। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर ह्यूमन साइड पर अगर हम काम कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वी कैन डिज़ाइन ए न्यू ड्रग, मतलब बहुत सारे नए चैलेंजेस आ रहे हैं जिनके बारे में हम नई ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आजकल हम अभी ये 2020 में और 2021 में इस वक्त हम एक फेज़ से गुजर रहे हैं जिसको पैनाडमिक फेज़ कहते हैं, जिसमें लोग कोविड-19 की इन्फेक्शन को फेस कर रहे हैं, तो आई मीन दिस इज़ अगेन ए चैलेंज। सो देर आर मैनी अदर डिजीज़ जो कि एक चैलेंज के तौर पे हैं कि जिनके लिए ड्रग डिज़ाइन करना या कोई फार्माकोलॉजिकल एजेंट ढूंढना। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इस सारे में हमारी हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर हम प्लांट साइड्स की तरफ चले जाएँ तो डिफरेंट इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड या डिफरेंट एग्रोकेमिकल्स और उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, उन सब को सर्च करने में, तलाश करने में या नए कंपाउंड्स डिज़ाइन करने में बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमारी हेल्प करता है। सो अगर हम यहाँ पे ये देखें, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ इन द कोर। सो इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। आप देखेंगे यहाँ पे
डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है. सो बेसिकली अगेन मेनली बायोइन्फॉर्मेटिक्स डील विद दी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हमारे पास डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का डाटा आता है, और वो जो डाटा हमारे पास आता है उसको स्टोर करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, मैनिपुलेट करना. सो दिस इज ऑल बीइंग डील्ड विद द यूज ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स प्रोग्राम या डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, जिस सबको हम फिर कलेक्टिवली बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं. सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. आप ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अगर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे कि जी ठीक है, हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा आ गया, तो लेकिन बायोलॉजिकल डाटा को हम मैनुअली क्यों नहीं कर सकते, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यानी इस नए सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या थी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ठीक है, आपके पास सीक्वेंस आ गया, आपके पास डीएनए का सीक्वेंस है, प्रोटीन का सीक्वेंस है, या आपके पास आरएनए का सीक्वेंस है, तो ठीक है हम उसको पेपर पे लिख के या इवन कहीं पर लिख के उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी, तो उसमें इसका बड़ा सिंपल आंसर है. देखें, हमारे पास ये जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ये इसकी अमाउंट देखें, सो मैसिव अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस डाटा जो है वो हमें एक चैलेंज देता है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एनालाइज, स्टोर और इंटरप्रेट ऑल दिस मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा मैनुअली. सो इट दैट्स वाई वी नीड ए स्पेशलाइज मैनेजमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड मैनुपलेशन टूल्स, जो कि हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जरिए मिलते हैं. सो अगर हम यहाँ पे इस स्लाइड पे देखें तो इट इज़ क्लियरली मेंशन ऑन दिस स्लाइड, वी आर हैविंग ए चैलेंज टू अंडरस्टैंड, स्टोर एंड मैनुपलेट एन मैसिव अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस डाटा एंड अदर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेल मिस्टेक है, यहाँ पे वी विल रीड इट एज मैनुपलेट ए मैसिव अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंस डाटा. ये एन नहीं है, ये ए है. सो दैट बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज नीडेड फॉर मैनेजमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड मैनुपलेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा. अगर हम ये देखें कि ये डाटा, बायोलॉजिकल डाटा हमारे पास आया कहाँ से, तो इन लास्ट फ्यू डिकेड्स एडवांटेज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड द इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर रिसर्च इन दिस फील्ड हैव अलाउड द इंक्रीजिंगली रैपिड सीक्वेंसिंग ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ जीनोम्स ऑफ सेवरल स्पीशीज. आप बिल्कुल जानते होंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नो डाउट कि अभी इसमें तकरीबन दो दहाइयाँ हो चुकी हुई हैं इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को. दैट वॉज इन अर्ली 2000 समथिंग, जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो हो रहा था. तो अब ये देखें, पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हो चुका हुआ है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, राइस है. सो दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनके जीनोम हो चुके हुए हैं. अब इन सारे जीनोम्स से आप देखें हमारे पास कितनी बड़ी अमाउंट में डीएनए का डाटा आ रहा है. सिमिलरली आपने पढ़ा होगा प्रोटीन की सीक्वेंसिंग भी पॉसिबल है, ठीक है ना. प्रोटीन की सीक्वेंस करने से प्रोटीन का डाटा भी हमारे पास आ रहा है. तो अब ये जो इतना डाटा अकमुलेट हमारे पास हो रहा है, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू हैंडल ऑल दिस डाटा मैनुअली. दैट्स वाई वी नीड सम मैथड्स, सम टूल्स. अच्छा, जब मैं ये बात टूल की करता हूँ तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में टूल्स का मतलब है सॉफ्टवेयर. सो देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर. सो ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं. हम इनकी जब नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में जाएंगे तो इनकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन होने का एडवांटेज क्या है, ऑफलाइन होने का एडवांटेज क्या है. सो वी लुक इन टू दीज मैटर्स एज वेल. सो अगर हम देखें तो टिल टू डेट हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियल जीनोम्स, इसी तरीके से कुछ सिंपल यूकेरियोटिक जीनोम जो हैं, इसी तरीके से सर्टन इंसेक्ट्स के जीनोम जो हैं वो सारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं. सो बायोलॉजिकल डाटा इज़ बीइंग प्रोड्यूस एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट. सो ये जो हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा है, ये बहुत मैसिव अमाउंट में पैदा हो रहा है, बहुत मैसिव अमाउंट में क्रिएट हो रहा है. सो मैनेजिंग एंड इंटरप्रेटिंग दिस डाटा इज़ ए ह्यूज चैलेंज फॉर बायोलॉजिस्ट. दैट्स वाई इसी वजह से हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ज़रूरत थी कि जिसके ज़रिए हम इस सारे डाटे को मैनेज कर सकें. सो अगेन देयर इज़ अनदर डेफिनेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. हम एक और तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का आपने सुना होगा कि इसको MIS कहते हैं. सो बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ ए MIS system, your management information system for molecular biology, and has many practical applications in various fields.
अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स देखें तो देयर आर सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, बट हम अपनी आसानी के लिए इनको तीन कैटेगरीज में कर लेते हैं। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एट इट्स बेसिक लेवल ऑर्गेनाइज डाटा इन अ वे दैट अलाउज रिसर्चर टू एक्सेस एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड टू सबमिट न्यू एंट्रीज एज दे आर प्रोड्यूस। मसलन अगर हमारे पास देखें नया सीक्वेंस, कोई नोवल सीक्वेंस आ जाता है, आप अपनी लैब में काम कर रहे हैं एंड यू आर लकी इनफ टू फाइंड ए न्यू जीन, या समटाइम आप कोई बिल्कुल नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या आप कोई म्यूटेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो देन यू हैव द एक्सेस टू सबमिट दैट इंफॉर्मेशन टू दीज बायोलॉजिकल डेटाबेसिस। हमने अलहदा से ये टॉपिक पढ़ना है बायोलॉजिकल डेटाबेसिस, जिसमें हम इंशाल्लाह DNA databases भी पढ़ेंगे, प्रोटीन databases भी पढ़ेंगे, इनकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। सो अभी हम थोड़ा सा अपने आप को इधर ऑब्जेक्टिव सी की तरफ वापस ले आ रहे हैं। हम इसको देखते हैं, फोकस करते हैं कि हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है। द सेकंड की ऑब्जेक्टिव इज़ टू डेवलप टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट एड इन एनालिसिस ऑफ दैट डाटा। सो अब देखें, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम टूल्स की बात करते हैं तो टूल्स का मतलब है सॉफ्टवेयर्स। सो हमारा दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये है कि हम डिफरेंट टूल्स जो हैं उनको डिज़ाइन करते हैं, उन टूल्स को डेवलप करते हैं, सो दैट के वो टूल्स हमारी हेल्प करें ताकि इस डाटे को मैनेज कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, इसको मैनिपुलेट कर सकें। सो इसके लिए जो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, या हम बायोकेमिस्ट हैं, या हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, वी हैव टू लर्न सम बेसिक प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए बड़ी आसान सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे हम पर्ल कहते हैं। पर्ल के बारे में हम अलग-अलग किसी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो हम वो यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अपने छोटे छोटे से टूल्स जो हैं वो स्क्रिप्ट की फॉर्म में खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो तीसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वी कैन यूज़ दीज टूल्स टू एनालाइज द डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स इन ए बायोलॉजिकली मीनिंगफुल मैनर। सो बेसिकली आप जो बायोकेमिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, अगर आपका प्रोग्रामिंग की तरफ इतना शौक नहीं है, यू डोंट वांट टू बी ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या टूल डेवलपर, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन डेवलप एक्सपर्टीज। आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करें कि जो एग्जिस्टिंग टूल्स हैं उनको आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हों कि आप उनको आसानी से सीख सकें, उनको इंटरप्रेट कर सकें। देखिए, कंप्यूटर का एक सिंपल सा रूल है जिसे हम गीगो प्रिंसिपल कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो इन केस अगर आप अच्छे यूज़र नहीं हैं इन टूल्स के, तो डेफिनेटली आप गलत इनपुट देंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो भी डेफिनेटली गलत होगा। सो हम यहाँ पे इस स्लाइड में देखते हैं कि कौन से मेजर एरियाज हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। सो दीज आप इनके इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशंस हैं, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन की हैं, अदरवाइज देयर आर मैनी अदर्स एज वेल। सो अगर मैं कोई यहाँ पे ओमिट भी कर गया हूँ और आपको किसी किताब में से या किसी और रिसोर्स से मिलती है तो यू कैन फील फ्री टू इंक्लूड दैट। सो बेसिकली अगर हम देखें कि कौन से एरियाज हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के या कौन सी एप्लीकेशंस हैं, सो हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। टू स्टोर एंड रिट्रीव बायोलॉजिकल डाटा एंड देन टू एनालाइज द सेम डाटा एंड देन इंटरप्रेट द डाटा, एंड वी कैन आल्सो यूज बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल टू कंपेयर द प्रोटीन एंड DNA सीक्वेंसेस। मतलब हमारे पास अगर दो प्रोटीन के सीक्वेंस हैं तो उनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो DNA के सीक्वेंस हैं तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। अब ये तो मैंने जो भी टास्क बताया ये तो बड़ा सिंपल है कि दो सीक्वेंस थे आपके पास प्रोटीन के, आपने उनको कंपेयर कर लिया। फॉर एग्जांपल आपके पास मायोग्लोबिन है, आपके पास हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस है, आपने उनको कंपेयर कर लिया, यू फाइंड वेयर आर द सिमिलरिटीज एंड वेयर आर द डिफरेंसेस। लेकिन देयर कुड बी अ प्रॉब्लम कि जहाँ पे आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट भी कर सकते हैं कि आपके पास दो से ज़्यादा सीक्वेंस हैं, इट कुड बी 10 सीक्वेंस, इट कुड बी 15 सीक्वेंस, और इट कुड बी इवन मोर देन 50, 100 और समथिंग लाइक डैट, कि आपके पास बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस हैं, आप उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से जब वो आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे, वो हम पढ़ेंगे अलग से भी एक टॉपिक में, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि देयर आर सर्टन एरियाज़ के जो कि कंजर्व हैं एक प्रोटीन फैमिली के अंदर, तो हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी डोमेन्स या कौन से मोटिव्स या कौन सा एरिया जो है वो किसी सीक्वेंस के अंदर वो कंजर्व है। फिर इसी तरीके से हमारे पास सर्टन टूल्स या सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं कि जहाँ पे अगर हम सिर्फ प्राइमरी सीक्वेंस को
या प्रोटीन का आप देखें ना, प्रोटीन के चार लेवल्स हैं, प्रोटीन के प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शी लेवल, क्वार्टरी। आपने प्रोटीन के चैप्टर्स में अलग से पढ़ा होगा। सो प्राइमरी लेवल ऑफ जो प्रोटीन का है स्ट्रक्चर का, उस वो सिर्फ सीक्वेंस पर मुश्तमिल है, यानी कि आपके पास सिर्फ सीक्वेंस हो, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर अवेलेबल हो प्रोटीन का, तो उसकी बेस पे आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली देर इज़ अ टेक्निक विच इज़ नोन एज होमोलॉजी मॉडलिंग, के जिसके ज़रिए हम 3D स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन्स का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ प्रोटीन का बल्कि डिफरेंट जो बायोमोलिकुल्स हैं उनका भी 3D स्ट्रक्चर्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसमें RNA है, DNA है। इसी तरीके से जो एवोल्यूशन रिलेशनशिप है, यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, बेसिकली अगर हमारे पास DNA या RNA के सीक्वेंस हों या प्रोटीन के सीक्वेंस हों, हम उनकी बेस पे एवोल्यूशनरी ट्री भी बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट जो बायोमोलिकुल्स हैं उन जिसमें प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शंस है या प्रोटीन लिगेंड इंट्रैक्शन है, उनको भी स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स, जो कि सर्टन देयर आर डिफरेंट डॉकिंग टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें प्रोटीन प्रोटीन डॉकिंग टूल्स भी हैं, प्रोटीन लिगेंड डॉकिंग टूल्स भी हैं। इंशाल्लाह हम जैसे जैसे एडवांस चलते जाएंगे, ये सारी सॉफ्टवेयर या टूल्स, इनके बारे में हमारा इल्म जो है वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल, कि आप इस लेक्चर के बाद आपको खुद को क्या करना है, या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या क्या आपके पास चीज़ें होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन ए बेटर वे। सो इसमें यह है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का, यानी कि ज़ाहिर है कि आपको कंप्यूटर के बारे में इलम होना चाहिए, क्योंकि आप जब वो टूल या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपके पास ये नॉलेज हो कि हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर। मसलन आपको इंटरनेट का या नेटवर्किंग का थोड़ा सा बिल्कुल बुनियादी सा इलम ज़रूर होना चाहिए। फिर इसके अलावा आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप फोकस कर सकें कंप्यूटेशनल मैथड्स पे टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और फिर आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आप किस तरह के एनालिसिस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर को आपने पसंद किया होगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं इंशाल्लाह उन के इंडिविजुअल जो हैं फर्दन आंसर्स करूँगा। तो हम अभी जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें डिफरेंट बायोलॉजिकल डेटाबेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।